रॉयल फिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जान रहे हो कि हमारा क्लास चल रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, प्रकाशीय यंत्र का, और इसके अंदर में हमेशा हमारा मुद्दा ये रहेगा कि मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। आप जान चुके हो वह बीटा बाय अल्फा होता है। क्या होता है? बीटा बाय अल्फा। कल के वीडियो में, कल के क्लास में हमने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का काम किया था, और आज आपका काम है संयुक्त सुंदर सिंह, जिसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान रहे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस हैं। कितने लेंस हैं? दो लेंस हैं और दोनों उत्तल लेंस हैं। दोनों उत्तल लेंस। जहाँ पर हम मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहे थे, और स्पष्ट रूप में ही मैंने कहा था कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वह प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बना कौन, और वस्तु के द्वारा आँख पर बना कौन। यहाँ पर एक बात थोड़ा सा चेंज करना है, और वह चेंज ये करना है कि इसमें डबल लेंस है। कौन सा लेंस है? तो जब हम इसको परिभाषित करेंगे मैग्नीफाइंग पावर को, तो वहाँ पर हम अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बना कौन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तनी मनी कटेगा बोलते बस जाते ऐसे। तो चलिए आज आपको हम किसके बारे में ज्ञान देने जा रहे हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और आप जान रहे हो कि हम तीन बात का अध्ययन इसमें करेंगे। सबसे पहले हमको डायग्राम पहचानना, ये डायग्राम को जानना कैसे बनाया जाता है उसको। थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लोगे, समझ जाओगे, मेरे सामने में आप बनाते हो, जितने स्टूडेंट्स हो, जितने लोग देख रहे हो, जितने स्टूडेंट जहाँ भी देख रहे हो, तो हमारे सामने आप कॉपी कलम सारे चीज़ को लेके रखिए, स्केल को रखे रखिए, और जैसे जैसे डायग्राम मैं बना रहा हूँ आप हमारे सामने बनाइए, तो आपको कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं। एक डायग्राम, उसके बाद उसका लैंग्वेज, क्रिया विधि का जो भाषा है उसको हम देंगे, और उसके बाद आप इस बात को अच्छी तरह से जान ही चुके हो कि जितने प्रकार के आपके प्रकाशीय यंत्र है, सभी में हमें एक ही काम करना है, आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? आवर्धन क्षमता का मान, जो एम पी बराबर होता है बीटा बाय अल्फा। बीटा बाय अल्फा, यही हमारा सवाल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एकदम ध्यान से आप देखो कि यह डायग्राम किस तरह का है। एंड वी टेक हेडलाइंस। संयुक्त सूक्ष्म दर्शी से भी लोग, और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सभी लोग हेडलाइन करें, एकदम कॉपी कलम से बात कीजिए, सारी चीजों का आपको यहां ही सीखना है। ध्यान रहे, जैसे ही हम बोर्ड की तरफ अपने चेहरे को करते हैं और हेडलाइन लिखने लगते हैं, तो उसके तुरंत बाद आप तुरंत कॉपी में डाल दो, ताकि समय का आपका बचत हो और कम समय में काम कर सकें। तैयार हैं हेडलाइन करके? तो सबसे पहले आप एक स्केल के माध्यम से आप एक लंबा लाइन खींचिए, स्केल के माध्यम से। और आप जानते हो इसको, ये एक्स एक्स जैसे, यहाँ पर एक छोटे लेंस को, जैसा कि आप जान चुके हैं इसमें दो लेंस होते हैं, एक छोटे लेंस को हम लेंगे, इस तरह से, और इसे हम लेंस दे देंगे, और इसका नाम है ऑब्जेक्टिव। क्योंकि वस्तु की तरफ ये रहता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस इसका नाम है। और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अभिदृश्य। बोलिए क्या बोलते हैं? अभिदृश्य बोलते हैं। और इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल मेरे सामने कीजिए, सीट वेरी वेरी वांट। इस लेंस के फोकस दूरी को चिन्हित करें। क्या चिन्हित करेंगे? फोकस दूरी को।
एकदम सेम दूरी पर करना है लेंस से बिल्कुल दोनों तरफ में इस तरह से, देखिए एकदम समान दूरी पर है। और यहाँ पर इसका नाम दे दो O1। O1 क्यों नाम देंगे, ऑप्टिकल सेंसर है ये, डबल लेंस है तो उसका भी होगा दूसरे का भी होगा, इसीलिए इसको हम ऑप्टिकल सेंसर वन कर दिए। क्या कर दिए इसको, ऑप्टिकल सेंसर वन। और इसमें जो वस्तु रखा जाता है वो फोकस से बाहर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, फोकस से बाहर, ये हमारा फोकस है, इसके बाहर। एकदम मुख्य बात है कि आप सही सही डायग्राम, उसमें नंबर है हमारे, दो नंबर उसी में है, इसलिए मुख्य बात यह है कि डायग्राम में कोई परेशानी नहीं है। हेलो हेलो, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के फ्रंट में रहता है इसीलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। अभी दृश्य पास स्केल रखें, फिजिक्स बिना फिगर का होता नहीं है, इसलिए हमेशा चाहिए स्केल, हमेशा पेंसिल चाहिए ताकि आप एकदम सही सही डायग्राम बना सको, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम खड़ा नहीं होगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ से रेज को हम ले जाते हैं लेंस के तरफ, कहाँ ले जाते हैं, लेंस के तरफ, और किस होके पार करेंगे, फोकस होके, किस होके पार करेंगे, फोकस होके, और दूसरा जो हमारा जाएगा वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, और देखते हैं ये कहाँ पे जाके मिल जाता है, तो देखते हैं यहाँ पे मिल रहा है ये। और इस तरह से जब आप वस्तु ऊपर में रखे हो, ऑब्जेक्ट ऊपर में रखे हो, तो इमेज आपका नीचे दिख रहे हो तो रियल है, कौन सा है, वास्तविक है, कौन सा है, वास्तविक है। और अगर हम यहाँ पे इसका नाम ए बी दें, ए बी दें, तो आपके ये हो जाएंगे ए डैस बी डैस, क्या हो जाएंगे आपके ए डैस और बी डैस। रेस को दिखा देना इस तरह, जिस तरह जा रहे हैं, जिस तरह से किरण जा रही है इसको दिखा देना, आपका आधा पार्ट ये क्लियर हो गया। तैयार है यहां तक, जब इस पार्ट को आप बना लेते हो, डायग्राम कर लेते हो, तब आपको दूसरा लेंस सेट करना है, सेट करना है, और ध्यान रहे कि ज्यादा दूर नहीं रहे, और ये बड़ा लेंस होता है, बड़ा लेंस होता है, इसलिए आपको बड़ा डायग्राम दिखाना है। अगर बड़ा होता तो और अच्छा होता, क्योंकि डायग्राम जितना बड़ा रहेगा समझने में उतनी आसान होगा। मैं प्रयास करता हूं कैसे बड़ा देने, और इस लेंस का नाम है नेत्रिका, क्या इसका नाम है, नेत्रिका, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको आई पीस, क्या बोलते हैं इसको, आई पीस। और इस लेंस को हम लोग सूचित किससे करेंगे, एलई से, किससे सूचित करेंगे, एलई से। और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वह हो जाएगा O2, क्या हो जाएगा, O2। अपने स्केल के माध्यम से, आप अपने स्केल के माध्यम से यहां से ध्यान से देखो कि यह जो लेंस आपका नेत्रिका है आपके सामने रहता है, इसीलिए इसका नाम नेत्रिका बनाए किस पड़ा है, तो ये मूवेबल होता है, मतलब इसको आगे पीछे आप खिसका सकते हो, आगे पीछे आप खिसका सकते हो,
इस तरह से इसको एडजस्ट किया था आगे पीछे खिसका करके, यह जो वास्तविक प्रतिबिंब एडीएस पीडीएस बनाया किससे, अभिदृश्यक से, यह प्रतिबिंब इसके फोकस के अंदर आ जाए, किसके अंदर आ जाए, फोकस, किसके फोकस के अंदर, नेत्रिका के फोकस के अंदर। इसीलिए ध्यान रहे कि यह आप यहाँ ऑप्टिकल सेंटर जो देख रहे हो, आपको यहाँ अंदर में इसको कर देना है, ये आपका कहाँ से, यहाँ से लेके, मेरी बात को समझ रहे हो। और जब उत्तल लेंस के फोकस के अंदर वस्तु आती है, तो कल भी आपने देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप को, कि अंतिम प्रतिबिंब सीधा बड़ा और बहुत बड़ा बनता है, विशाल बनता है, काल्पनिक भी बनता है, बड़ा भी बनता है और विशाल आवर्धित बनता है। इसलिए उसी कंसेप्ट को यहाँ पर है ये, कि जैसे ही इसके फोकस के अंदर में ये आ जाएगा ए डैश और बी डैश, तो अंतिम प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, विशाल बनेगा, सीधा बनेगा, ताकि देखने में कोई दिक्कत। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, आप अपने स्केल के माध्यम से इसको स्ट्रेट लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट लीजिए इसको, और जितना फोकस दूरी आपने यहाँ से वोटू से यहाँ तक दिखाया, ध्यान से देख लो, ठीक उतना ही दूरी पर इसे रखें इस तरह से, और इस तरह से यहाँ से स्केल के माध्यम से सीधा इसको ले जाइए, लेंस में जा रही है प्रकाश, काम स्केल का है, हाथ से प्रॉब्लम हो, ध्यान रहे जितने स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, जहाँ भी देख रहे हो हमारे क्लास को, तो आप स्केल के माध्यम से काम कीजिए। आपने डायग्राम बनाया लेकिन बीच में नहीं बनाया, देखिए कितना सा राइट में लिख रहे हो, जब भी परेशानी खराब हो, बात करें आगे। फिर आप क्या करते हो कि दूसरे यहां से करना, यहां से फोटू से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, और फिर हम इसको यहां पर बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, ये जहां पे जाके मिल जाए वहीं पर हमारा प्रतिबिंब का पोजीशन होता है, और आप इसको जोड़, ठीक है, ये आपके हो गए B डबल डैश, और बोलो बोलो A डबल डैश, बिल्कुल साफ सुथरा है। अगर स्केल के माध्यम से पेपर में आप बीच में बनाते हो और पूरी सावधानी से बनाते हो, तो आपको एकदम सही पोजीशन में दिखाई देगा, एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स देम इन परफेक्ट, सभी लोग जानते हैं कि आप अभ्यास करते करते इतने अभ्यस्त हो जाओगे कि आप आराम से डायग्राम को सरल तरीके से बना सकते हो। और खास करके रे ऑप्टिक्स में आपको मैं बता दूँ कि आपको डायग्राम बिल्कुल साफ सुथरा रखना पड़ेगा और इसके लिए माध्यम से बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा काम और रह गया, थोड़ा सा काम ये रह गया है कि आप जो यहाँ एडेस बीडेस लिए हो, देख रहे हो उसको, आप इसे मिला दो और यहाँ पर आप कर दो बी ट्रिपल डैश, बी ट्रिपल डैश,
आगे, आपको इस बात का पता है कि हमारा मुद्दा जो है मैग्नीफाइंग पावर निकालने का, वो चाहिए बीटा बाय अल्फा। बीटा बाय अल्फा, आपको बीटा और अल्फा दिखाना पड़ेगा, बीटा और अल्फा दिखाना पड़ेगा। तो आप इसको जान रहे हो कि मैंने कहा था कि इसमें डबल लेंस है, तो जब हम इसकी परिभाषा देंगे तो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाकर वस्तु के द्वारा आंख पर बना, प्रतिबिंब यहाँ दो बन रहे हैं, एक ए डैश बी डैश बन रहा है और दूसरा ए डबल डैश और बी डबल डैश बन रहा है। तो जिसमें डबल लेंस रहता है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाकर, ध्यान रहेगा अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाकर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा करते समय। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ही अंतिम प्रतिबिंब है यहाँ से इसको बीटा दिखाइए, देख लीजिए ध्यान से, जहाँ पर पी डबल डैश चल रहा है ये लाइन यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ तक कर लिए तब B डबल डैश से एक लाइन लेना है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से O2 को जोड़िए और ये पोजीशन आप बताओगे अल्फा, इसे बताओगे अल्फा के, एकदम स्केल के माध्यम से करना, गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं, B डबल डैश को आप जोड़ दीजिए, हाँ ऑटो से आपका क्या हो गया अल्फा। और अंतिम प्रतिबिंब जो बना आपका देख रहे हो बी डबल डैश से बना हुआ है ना, इसको किससे जोड़ेंगे, बीटा से, एकदम साफ दिखाई देना चाहिए बीटा और अल्फा का पोजीशन। इस तरह से हमारा अंतिम प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, बोलिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी यहाँ से के पोजीशन से आप डी दिखा दीजिए और यहां लिख दीजिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। यहां पे लिखना है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, आ रहे हैं उसमें, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, यहां पे लिखना है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। और इंग्लिश में अगर लिखोगे तो उसे नीचे लिख देना है ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इस बात को हिंदी के नीचे भी लिख दीजिए, लिस्ट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन उसके नीचे। अब हम चाहेंगे कि जितनी बातों की आपने चर्चा किया इसे दो शब्दों में लिखें, ठीक है, तो दो काम हमारा हो जाएगा, फिर हमारा बचेगा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखना, लिखिए शुरू करें। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, दोनों लेंस नली में फिट रहते हैं दोनों लेंस नली में फिट रहते हैं, पूर्ण विराम, जो लेंस
वस्तु की ओर रहता है, वस्तु की ओर रहता है, वस्तु की ओर रहता है कोमा, उसे उसे अभिदृश्यक, उसे अभिदृश्यक, उसे अभिदृश्यक कहते हैं, कहते हैं। चित्र में इसे या फिगर में इसे, भाई जी फिगर में इसे एल ओ से दिखाया गया है इस तरह से, इसलिए फिगर में इसे एल ओ से दिखाया गया। मेरा दूसरा लेंस आंख के समीप रहता है, दूसरा लेंस आंख के समीप रहता है, कोमा जिसे नेत्रिका कहते हैं, कहते हैं। और मेरा फिगर में इसे, फिगर में इसे एल ई से दिखाया गया है, ई छोटा लिखेगा नीचे, फिगर में इसे एल ई से दिखाया गया है। और मेरा अभिदृश्य की फोकस दूरी, अभिदृश्य की फोकस दूरी, अभिदृश्य की फोकस दूरी, अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका के फोकस दूरी से, नेत्रिका के फोकस दूरी से, नेत्रिका के फोकस दूरी से छोटा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। क्या आपको दिखाई दे रहा है लेंस छोटा? लेंस क्या है? नहीं, पैर आप चेंज। जब वस्तु को अभिदृश्य के, जब वस्तु को अभिदृश्य के फोकस दूरी के बाहर, फोकस दूरी के बाहर रखा जाता है, रखा जाता है कोमा तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब अभिदृश्य से प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब अभिदृश्य से प्राप्त होता है। अभिदृश्य से प्राप्त होता है और मेरा नेत्रिका को आगे पीछे, नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, खिसकाया जा सकता है, अतः उनमें देखिए, अतः इसे इस प्रकार समायोजित किया जाता है, अतः इसे इस प्रकार समायोजित किया जाता है